टैली चैप्टर 193। आज के टीडीएल सेशन में हम आपकी एक और रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं, मल्टी कलर रो वाइज। जब भी आप स्टॉक आइटम को प्रिंट करते हैं तो आपको चाहिए मल्टी कलर, तो आपको वाउचर एंट्री के लिए और साथ साथ इनवॉइस के लिए दोनों के लिए कलर दिए गए हैं और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें जो आपको टीडीएल प्रोफेशनल बनाएगी वो इस वीडियो के अंदर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले एक वाउचर एंट्री करते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट की एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट में मोबाइल फ़ोन हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन, चलिए कोई सेल्स ऑर्डर नहीं है अभी का, और इसकी एंट्री कर दी। दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं लैपटॉप, दूसरे प्रोडक्ट की एंट्री कर दी हमने। इस तरीके से हम कुछ एंट्री बना रहे हैं ताकि हम उनके कलर को प्रिंट पर चेक कर पाएँ। यहाँ तो ऑन स्क्रीन है लेकिन प्रिंट पर आखिर ये कैसे दिखाई देंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो तीन चार कलर के लिए मैं अलग अलग टॉपिक ले लेता हूँ, और बहुत सारी वीडियोस पाइपलाइन में हैं जो आपको मिलेंगी आपकी रिक्वेस्ट पर। काम ऑलमोस्ट हो चुका है उन सभी पर और आप आसानी से उनको यूज़ कर पाएंगे। चलिए मैंने ये एंट्रीज़ कर दी, इनको एक बार एक्सेप्ट करा देता हूँ कंट्रोल ए, क्योंकि कभी हम भूल जाते हैं। ऑल्ट पी, और यहाँ पर ये मल्टी कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीचे के कलर सेम आ रहे हैं, बाकी डिफरेंट है क्योंकि हमने उसकी प्रोग्रामिंग कुछ इसी तरीके से की हुई है। आइए आपको समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसमें आपको अपना नोटपैड स्टार्ट कर लेना है। नोटपैड पर हम दो लाइनों में इस कोड को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सिंपल सी दो लाइनें हैं, हैश लाइन टाइप कीजिएगा आप, और आपको यहाँ पर अपनी लाइन का नाम देना है। लाइन का नाम क्योंकि हम प्रिंट में अपना कलर चाहते हैं तो हमें उस लाइन का नाम देना होगा जो प्रिंट में होती है। तो एक्सप्लोजन ऑफ इन्वेंट्री ये लिया, ये हमारी फील्ड का नाम रहेगा आइटम इन्वेंट्री डिटेल्स। ठीक है, ये रहेगा। कुछ साथियों के क्वेश्चन होते हैं कि उन्हें डिफरेंस नहीं समझ में आता है, मतलब दिक्कत होती है सिंपल इनवॉइस और कंप्रीहेंसिव इनवॉइस में मुझे नहीं समझ में आता है। तो आपने क्या करना है कि इसका इस्तेमाल सभी जगह होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिंपल इनवॉइस में चाहिए तो इसको SMP कर लेना। वैसे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, SMP कर लेंगे, EXP SMP तो भी काम हो जाएगा आपके सिंपल इनवॉइस में। वैसे मेरी नॉलेज कम है इस बारे में कि सिंपल इनवॉइस क्या होता है। मुझे तो ये पता है कि प्रोग्रामिंग में हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन के लिए हम लोकल फील्ड का इस्तेमाल कर लेंगे और हम अपना कोड यहीं कंप्लीट कर लेंगे। डिपेंड करता है कि कितनी फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं, जैसे लोकल फील्ड डिफॉल्ट, जो भी हमारी फील्ड्स हैं उन सभी फील्ड्स पर हमने अप्लाई करना है इसको। क्या अप्लाई करना है, मैंने कहा जी स्टाइल अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल। अब स्टाइल से कलर तो आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो देखिएगा। लार्ज बोल्ड सेव करते हैं दो लाइनों में, इतना इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा इनवॉइस में। सेव कीजिए, अपलोड कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, ऑल्ट पी, F4। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है वो थोड़ा सा डार्क यानी कि लार्ज बोल्ड है, इसकी वजह से डिस्प्ले होने लग गया है। अब हमें अपनी इन्वेंट्री पर, मतलब नोटपैड पर जाना है और इन्वेंट्री में क्या बदलाव करने हैं। मुझे ये बदलाव नहीं चाहिए, या चाहिए तो इतना लिख के छोड़ देंगे। वैसे हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक कलर का है, मैं उस पर भी आऊँगा। मैंने यहाँ पर बॉर्डर थिक बॉटम ले लिया है ताकि मैं अपने बॉर्डर को अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, कलर के केस में क्या हो रहा है कि कलर के केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि जो आप कलर लेते हैं उस कलर पे, वन सेक, ऐसे कैसे होगा कि वो कलर अप्लाई हो। अब यहाँ पर देखो क्या सभी पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है,
लार्ज बोल्ड सारे हो गए, बॉटम बॉर्डर ग्रिड लाइन जो आप लेते हो वो सभी पर अप्लाई हो गए, ठीक है। कलर अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे, मैं थोड़ा रफ वर्क पे आ जाता हूँ और इन लाइनों को हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, रहने दीजिए, ये काम आएगा। अब अपना जरा व्हाइट बोर्ड पर काम करते हैं, रफ वर्क जो स्टेटमेंट आपके TDL में नहीं दिखाई देंगी। तो मैंने यहाँ पर एक सिंबल लगाया, दूसरा सिंबल यानी कि एट्रीब्यूट्स हम लगाते हैं, यहाँ पर मैंने बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया। अब इसके बीच में जो भी लाइन हम लिखते हैं उसका इफ़ेक्ट जो है आपके स्क्रीन पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इसको हटा दिया मैंने सिंबल्स को, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर जाएंगे TDL में और एरर आ जाएगी। तो ठीक है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा आपको समझाने के लिए। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये रफ वर्क कर रहा हूँ। अब क्या है कि सिस्टम को समझाना पड़ेगा कि आपको कलर बदलना है हर आइटम पर। तो इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करना होगा। ये क्या होता है, इस स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब होता है, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो ये सेशन आगे का आप अटेंड कर लो। अगर आपको रेडीमेड कोड लेना है तो चैनल पर जाइए, और चैनल पर जा करके आप ढेरों वीडियो हैं, सैकड़ों वीडियो हैं, उन पर जाइए और वहाँ से TDL कोड कॉपी कर लीजिए, वीडियो में बताए गए माध्यम से इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियो है और सभी आपकी रिक्वेस्ट पर ही बनाई गई है। आपको लगता है कि आपको किसी TDL की आवश्यकता है तो आप कमेंट करेंगे, डिटेल लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि मुझे कम समझ आता है। इसका सेंस ये है कि कई बार आप लिखते कम है, मैं उसके अकॉर्डिंग कोड बनाता हूँ, फिर आप कहते हैं सर ये नहीं आया, फिर मुझे कोड बदलना पड़ेगा, फिर आप कहते हैं ये नहीं आया। इसीलिए डिटेल्ड एग्जाम्पल एक बार में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अब हम थ्योरी पर काम कर रहे हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट समझ लो, आगे भी आपके काम आ जाएगा। इसमें क्या है कि इफ स्टेटमेंट में दो वैल्यूज होती है, पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी फॉल्स। अब मैं आपको कहता हूं कि एक बगीचे में, एक बाग में दो बड़े बड़े पेड़ हैं या दो ऊंचे पेड़ हैं, एक आम का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है, ठीक है। दो ही टाइप के पेड़ दो लगे हुए हैं, एक आम है एक अमरूद है। थोड़ी दूरी पर चलने पर आपको आम का पेड़ मिल गया, तो इसका सीधा सा मतलब है अगला पेड़ जो होगा वो अमरूद का ही होगा। इसी पैटर्न पर इफ करता है काम। पहली कंडीशन अगर मैच हो गई तो वैल्यू आ जाएगी, बची हुई वैल्यू ऑटोमेटिक वो अमरूद के पेड़ पर चली जाएगी। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं जो हम समझेंगे। स्टेटमेंट कहती है कि इफ, अब मैंने इसको कंडीशन दी डॉलर के साथ में, अगर लाइन, क्योंकि ये हर बार ना यूनिक होता है, हर बार बदल रहा है। इस केस में इसने मेरा काम आसान कर दिया कलर देने के लिए, ठीक है। हर बार जब लाइन का नंबर बदलेगा तो कलर अपने आप बदल जाएगा। कैसे, मैंने कहा इफ डबल डॉलर लाइन इक्वल्स टू वन, अगर लाइन नंबर सीरियल नंबर वन हो। अब देखो क्या होता है कि इनवॉइस पर, यहां पर हर प्रोडक्ट के आगे एक सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी वाउचर एंट्री पर सीरियल नंबर के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको स्क्रीन पर भी चाहिए तो आप सीरियल नंबर ले सकते हैं वहाँ से, और अगर नहीं चाहिए तो प्रिंट में भी हटा सकते हैं आप सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर अगर एक है तब देन आप क्या करो, मुझे एक कलर दे दो, मान लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ये रह गया मतलब पहली कंडीशन ट्रू वाली। फॉल्स के लिए एल्स मान लेते हैं येलो, ठीक है। तो दो कलर दे दिए हमने, ये अभी थ्योरी चल रहा है। इसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं अपनी कोडिंग में, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि इसका तो इफेक्ट आएगा नहीं यहां पर। अब हमने क्या किया, दूसरी लाइन कलर के लिए लोकल
वही पैटर्न है, फील्ड, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आपने प्रिंट बीजी का इस्तेमाल करना है बैकग्राउंड का, ठीक है, कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है, इस तरीके से सेव कर दो, कंट्रोल एस, टैली पर जाइए। अब टैली पर क्या होगा, दो ही कलर का चुनाव हुआ है, पहला कलर जो है आपका वो ग्रीन है, दूसरा कलर आपने येलो कर दिया, मतलब पहला येलो पहला ग्रीन, बाकी सारे जो आएंगे वो येलो आएंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन कंडीशन आपने इफ की ऐसी ही बनाई है कि लाइन अगर बराबर कर जाए एक से तो ग्रीन कलर, बाकी येलो, ठीक है। और ये बॉर्डर वगैरह तो हमने पहले ही लगा रखे हैं। चलिए, ये हमारा कंडीशन आ गया। अब नीचे आते हैं, नीचे हमने क्या किया कि भाई इसको एक सिस्टम में तैयार करते हैं। सिस्टम क्या है, थ्योरी के हिसाब से ऐसा, ठीक है, ये। अब हम इसको कहते हैं कि भाई एक काम करो, अगर लाइन नंबर एक है तो आप ग्रीन कलर देना, नहीं तो दोबारा से चेक करो, दोबारा चेक करो कि क्या लाइन नंबर दो तो नहीं है। अगर लाइन नंबर दो है तो उसका जो कलर है वो आप कर देना ग्रे मान लेते हैं, ठीक है, और एल्स नहीं तो जो बच जाए उसका कलर कर देना आप मान लेते हैं येलो। फिर से वही आ जाते हैं, ये लीजिए। अब लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, ये आपने कॉपी की, ठीक है, कॉपी, और ये आप ले गए ऊपर, ऊपर ले गए तो एक छोटी सी चीज़ आपको नोटिस करनी है, पेस्ट, कंट्रोल एस कर दिया आपने, टैली पर चले गए, जैसे आपने इसको रिफ्रेश करके वाउचर पर लेकर के गए प्रिंट करने के लिए, एंटर, यहाँ पर बैड फॉर्मूला, एरर आ गया, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है लेकिन लिखने का जो तरीका है ना आपका वो गलत है। तो अक्सर जो आपका कमेंट आ रहा है ना बैड फॉर्मूला एरर, वो आपकी गलती है, वो आपने उसको लिखा ही गलत तरीके से है, कहीं कोई कॉमा छोड़ दिया है, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया है, कहीं पर उसको एंटर करके लिख दिया है। लिखने का फॉर्मेट ये नहीं है, जो नीचे है वो सिंगल लाइन की स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है, नई लाइन एक अलग कमांड हो जाती है, इसलिए हमें इसे एक सिंगल लाइन में ही रखना है, ये याद रखिएगा। तो कंट्रोल एस, टैली को शुरू करते हैं। अब इसी फॉर्मूले की मदद से, अभी मेरा ये वेलकम विंडो आ गया, स्क्रॉल करता हूँ मैसेज, कलर थोड़ा मैंने कम कर दिया है, कलर ऊपर नीचे करता रहता हूँ मैं, तो कलर चेंज कर दिया है। चलिए, तो अब यहाँ पर बैड फॉर्मूला की एरर थी, बैड फॉर्मूला की जो एरर है वो कंट्रोल एस करके मैंने इफेक्ट ख़त्म कर दिया। नीचे वाला तो वैल्यू नील हो गई क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर सिंबल लगा रखा है, यहाँ पर यूज़ करने के लिए, ताकि ये स्क्रीन पर रहे लेकिन TDL में ना इफेक्ट डालें, नहीं तो मुझे इंडिविजुअल वहाँ पर ना कॉलन लगा के लिखना पड़ता है। देखो, नई स्टेटमेंट मैं ऐसे लिखता हूँ, लेकिन अब क्या है कि हर लाइन के लिए अलग 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 लगाऊंगा तो दिक्कत होगी, इसलिए पूरे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को मैंने एक बार में ही रोक दिया है यहाँ पर, ठीक। धीरे धीरे कोडिंग करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आती रहेगी। चलो, टैली पर F5, वाउचर, पुरानी एंट्री, ऑल्ट पी, एंटर, ठीक है जी। ग्रीन और ग्रे दो कलर आपने अप्लाई कर दिए क्योंकि कमांड दो की दी है आपने, तीसरा तो बाय डिफॉल्ट येलो रहेगा ही। तो मैं आपको समझा रहा था कि कैसे आप लिखते हैं, इसी पैटर्न पर आगे चलेगा आपका। अगर मेरी क्वांटिटी रेट इसके बराबर बैठेगा तो ये कर देना, अगर मेरे रेट क्वांटिटी इसके बराबर हो, ऊंचा मतलब बड़ा हो या कम हो, 10,000 से ज़्यादा हो, 20,000 से कम हो, तो ये कर देना। ये हम आएंगे उस टॉपिक पर, फिलहाल मैं अभी कलर पे काम कर रहा हूँ क्योंकि कोडिंग सीखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए,
तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया कि पहले की स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद एल्स लिखते हैं, और एल्स में अगर दो ही कंडीशन है तो सीधे मैंने देखो यहाँ पर ऊपर वाले को छोड़ के ऐसे लिख दिया। कंडीशन बढ़ेगी तो इफ एल्स इफ का इस्तेमाल होगा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो तो फिर अब अगली कंडीशन ले लेते हैं। मैंने अगली कंडीशन जो है वो फिर से ले ली, मैंने कहा नंबर तीन, ये लो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पर मैंने तीन कर दिया, कलर चेंज कर दिया, कलर मैंने इसको मान लेते हैं ब्लू कर दिया, और एल्स में येलो कर दिया, बाकी बचे हुए येलो। ऐसे आप स्टेटमेंट बढ़ाते जाएंगे। चलो तो यहाँ पर अभी लिखा कैसे जाएगा ये देखिए, क्योंकि यहाँ तो बिना स्पेस के रहेगा, तो ये जो इफ़ वाली लाइन है हमारी ग्रे, इसको कर लेते हैं कॉपी, और एल्स के बाद कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और इसको कलर बदल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कर देते हैं इसको रेड ग्रीन येलो ब्लू, ये कर दिया मैंने इसको। अब मैं कर दूंगा इसको एक वाइट कर देता हूँ, ठीक है, एक लाइन हमारी वाइट हो गई, एल्स येलो, ठीक है। ये हमने कंडीशन बना दी और यहाँ पर तीन कर दिया, मतलब तीन के बाद में जो कलर है वो ऑटोमेटिक येलो हो जाएगा। आप चार कर दो, आप पाँच कर दो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सारे कलर नहीं चलेंगे। आपने लिख दिया इसमें कोई सा भी कलर, तो वो कोई सा भी कलर जो है वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्ट, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया येलो, येलो, और इसको कर दिया चार नंबर पे, एक साथ स्टेटमेंट लिखी गई है, और इसको कर दिया ब्राउन। तो ऐसा नहीं कि आपने ब्राउन लिख दिया तो टैली ब्राउन कलर दे ही देगा, ना ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अब इतना मैंने ब्राउन लिखा तो ब्राउन कलर ना लेके वो ब्लैक कर देगा इसको डार्क। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर सी मिस्टेक, गलती से छोटी सी मिस्टेक बैड फार्मूला एरर देती है, टैली बंद होता है। यहाँ देखिए नोटिस करिए, ये जो अपना एल्स है ब्राउन, ठीक है, कलर एरिया मैंने, अब इसको आपने चेक कर लेना है। यहाँ तक तो मेरा काम कर रहा था तीन नंबर पर, एल्स इफ सो एंड सो थ्री देन दिस कलर, एल्स इफ फोर्थ कलर देन दिस वन एल्स, यहाँ अच्छा ठीक है वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया, ठीक, ब्राउन क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए। तो सेव, एक लाइन की स्टेटमेंट हो गई। टैली पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, F5 वाउचर पेज अप ऑल्ट पी एंटर, और यहाँ पर कलर ब्राउन की जगह पर ब्लैक हो गया है, ठीक है। देखिए एक तो हमने वाइट रखा ही था, फिर येलो रखा था, फिर ये ब्राउन कलर है। तो कलर सारे एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें तो कलर लेना ही लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक छोटा सा काम करो, क्या करो आप ना अपना एक कलर बना लो, ठीक है, COLOR कलर, और कलर का नाम दे दो यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा माई CLR, कुछ भी नाम दे दीजिए ये कलर। और इस कलर को मैंने क्या किया, यहाँ पर दे दिया रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू दे दीजिए, 256 है तो मैंने इसको कर दिया 200 कॉमा 255 कॉमा 150 मान के चलते हैं, तो ये कलर हो गया। इस कलर का नाम आप यहाँ पर टाइप कर दो माई MYCLR, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें क्या है कि आपने एक तो लोकल फील्ड ऊपर लगाया है, नीचे आपने पहले से ही एक लोकल फील्ड लगा रखा होगा। अगर इसके बीच में, क्योंकि ये तो वैल्यू नहीं आएगी, अगर बीच में कलर ले लिया तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये डबल मुझे मिल रहे हैं, मुझे दिक्कत आ रही है, एरर आ जाएगी उसमें कि कलर सही चीज़ नहीं है। तो उसकी पोजीशनिंग भी सही जगह पर होनी चाहिए। मैंने इसको अलग से दे दिया माई CLR मान लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ रख दिया, रख तो मैं ऊपर सकता हूँ यहाँ, लेकिन इसको यहाँ रख करके सेट करेंगे, ठीक है। ये लिया मैंने ताकि मैं अपने कलर्स ले पाऊँ। तो कंट्रोल S, टैली पर चलते हैं, और टैली पर मैंने F5 किया रिफ्रेश,
वाउचर, पेज अप, ऑल्ट पी, एंटर, F4। यहाँ पर देखिए कलर, वो जो मैंने बनाया ना ग्रीन को थोड़ा ऊपर किया और रेड और ब्लू को नीचे किया, इसकी वजह से ये कलर यहाँ पर चेंज हो गया। तो कलर कोड का इस्तेमाल करके आप एक नया कलर ले सकते हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है, अपने कोड को मॉडिफाई कर दीजिए और कलर के बजाय कलर का स्टाइल डिफाइन कर दीजिए। तो ये जो कलर है आप यहाँ लिख सकते हैं, इस जगह पर मैंने अलग लिखा है। तो मैंने आपके लिए क्या किया कि आप देखो RGB, मैंने ना ढेरों कलर आपको यहाँ ले रखे हैं। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट, और आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सबका एक नया टाइटल, नया नाम दिया हुआ है, नंबर लिया 00115 लेते हैं। यहाँ पहुँच गए हम, ठीक है। तो अब हमारा जो कलर है उसको ले लेते हैं। मैंने कहा जी MyCLR, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल, अच्छा ये यहाँ नहीं लेना है, सॉरी, हाँ यहाँ पर है माई कलर। ये तो हमारा स्टेटमेंट रफ बोर्ड पे चल रहा है, मैं कलर यहाँ लिख रहा था, तो मैंने लिखा, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया है, COLOR कलर, मैंने लिखा MyCLR कलर, और कलर में RGB, कलर में लिखा मैंने 0.0, और मैंने कर दिया इसको 115। ठीक है, माई कलर, ठीक। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है मैं अभी डिलीट कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। अभी इसे नीचे रखूंगा आपके लिए, क्योंकि आपको ये प्रोग्रामिंग समझा देना है अच्छे से, ताकि भविष्य में आप खुद से ही इफ स्टेटमेंट बना पाएं। तो प्राइस वगैरह पे सब पर हम ये अप्लाई करेंगे, अगर हमने 4 पीस बेचे तो उसका रेट ये होगा, कुछ ऐसा ही कर लेंगे। MyCLR कंट्रोल S, टैली पर गए, ठीक है, और टैली पर इसको यहाँ मैंने F5 किया, वाउचर, ऑल्ट पी, ये रहा, ठीक है। अब जो ब्लू, ब्लू की वैल्यू है 115 है, रेड और ग्रीन 0 पे चल रहे हैं, इसलिए कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो कलर कोड का कमाल है कि कलर क्या आएगा। सेव, टैली, F5, वाउचर, ऑल्ट पी, F4, देखिए ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से ये वाला कलर हमने निकाला है, ठीक है। तो मल्टी कलर आप प्रिंट कर सकते हैं और कलर अलग अलग दे सकते हैं, वाउचर लेवल पर और इनवॉइस लेवल पर। वाउचर लेवल के लिए आपको मेरी एक और वीडियो देखनी है, रॉ वाइज कलर स्टॉक आइटम के लिए, प्लेलिस्ट में है, नीचे मिल जाएगी आपको। उस कोड को कॉपी कर लीजिए और उस कोड को पेस्ट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर आधा अधूरा आपको दिखा रहा हूँ, पेस्ट किया है मैंने, ठीक है। ये ऊपर इनवॉइस के लिए, सॉरी वाउचर लेवल के लिए, और नीचे इनवॉइस के लिए मैंने अलग से दिया है। दोनों को मिला दीजिए एक जगह पर, तो आपका काम ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको इफ एल्स इफ समझ में आया होगा और आपने कुछ एक्साइटिंग चीज़ें बनाई होगी। मुझसे शेयर कीजिए कि आपने क्या एक्साइटिंग चीज़ें बना ली है, क्योंकि तो सबके पास एक यूनिक क्रिएटिव माइंड होता है। मेरे पास छोटा दिमाग है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ अच्छे से और बेहतर तरीके से आपको डिटेल दिया करूँगा। तो अभी हम इफ एल्स स्टेटमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ये रहा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जब आप वाउचर पर जाते हैं तो यहाँ पर आप ये टॉपिक देख रहे हैं, यहाँ पर आप मेरा ऑर्डर क्वांटिटी की डिटेल देख रहे हैं कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, हमारे पास सेल्स ऑर्डर जो है अभी पेंडिंग है 70 पीस का, इन स्टॉक में इतना माल है, अगर हम पेंडिंग ऑर्डर को माइनस कर दे तो इतना है। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना दी है, ये अभी 193 चल रहा है, 194 में हमने एक और टॉपिक किया है, मुझे टॉपिक का नाम याद नहीं है लिस्ट में क्या है, लेकिन मैंने सेव एज JPG इमेज बनाया है। आपकी इनवॉइस को आप JPG बना सकते हैं। इसके बाद में आपका मैंने एक टॉपिक और किया है कि मल्टी एक्सपोर्ट है, डे बुक पर भी
XML का एक्सपोर्ट बटन है, PDF का है, इमेज का है, XLS का है, लेजर में भी दिया है, वाउचर में भी राइट साइड में सारे बटन दे दिए, ऑल इन वन एक्सपोर्ट है। और फाइल का नाम बदलता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, अगर वो फाइल XML है तो XML दिखाएगा फाइल नेम में, PDF है तो PDF दिखाएगा जो फाइल सेव होकर के आ रही है। इसके बाद में ये आपका सेल्स ऑर्डर ड्यू लिस्ट आ जाएगी, उसका इस्तेमाल किया हमने। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो उस पर काम किया, वो चल रही थी, उसमें मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। तो अलग अलग टॉपिक जो है वो मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। तो हमारा टैली चैप्टर 193 यहीं पर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। आप अपनी रिक्वेस्ट डिटेल के साथ में एग्जाम्पल दे करके बताइएगा, मैं आपकी वो TDL बहुत जल्दी तैयार कर दूंगा। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 194 के ओर, जो है एक और एक्साइटिंग टॉपिक हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, TDL से रिलेटेड।